हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पासा की चैनल। तो चलिए आज हम चलते हैं बर्थडे सेलिब्रेट कर, पार्टी करने, एंजॉय करने। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं और देखिए कहाँ चलते हैं। तो कहीं अच्छी जगह चलेंगे। तो चलने के लिए रेडी है गाइस? चलिए चलते हैं। अभी हम लोग अपने कैंपस से बाहर निकल रहे हैं और फिर हम लोग पहुँचेंगे रेस्टोरेंट। तो वहाँ चल कर दिखाते हैं किस रेस्टोरेंट में जाते हैं। और देखिए हम लोग बाहर निकलने वाले हैं। हम लोग कैंपस जैसे वाटरफॉल वाला कैंपस आ रखा है और तब तक हम लोग सोचे कुछ फ़ोटो ले लेते हैं, वो भी आपसे शेयर करते हैं और इन्जॉय कीजिए गाइस। और देखिए हम लोग ये बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। बर्थडे में वो भी पोस्ट बर्थडे है, उसमें हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और फिर से केक कट करेंगे और बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और इन्जॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, खाना खाएँगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए वो रेस्टोरेंट में आ गए हैं, इन कर चुके हैं और लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। देखिए इन लोग कैसे शर्माते हुए लजाते हुए, और फिर लिफ्ट आएगी, लोग ऊपर जाएंगे। और चलिए आपको ऊपर का भी नज़ारा दिखाएंगे। तब तक फिलहाल में इधर का नज़ारा दिखा देते हैं। जो वो एंट्री किए थे वो देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा था, पूरा कलरफुल डेकोरेशन हो रखा था। आपको देख रहे होंगे गाइस, अच्छा लग रहा होगा। फिर हम लोग जाएंगे ऊपर लिफ्ट से। देखिए लिफ्ट से ऊपर जैसे निकले वहाँ पे ये रिक्शा था, वहाँ पर हम लोग बैठ के फोटो खिंचवा की बाद में आगे खिंचवाएंगे। बोले बोला नहीं, हम लोग को फोटो खिंचवाना है, इतना सुंदर सा सीन कैसे छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए हम और कहीं नहीं आसमान रेस्टोरेंट में आए हुए हैं, उसका देखिए टैग एंट्री के साथ। और चलिए अब आपको अंदर ले चलते हैं। वो यहाँ पर देखिए गाना भी बजते रह रहा है और अलग से ही सीन आ रखा है गाइस। देखिए यहाँ पर एक बर्थडे का ऐसे पल से बना रखा गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पर आप केक कट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक कैबिन टाइप से देखिए आपको चारों तरफ नज़ारा दिखाएंगे। ये देखिए मैं बनाई हुई है। और ये देखिए फिर से फाइनली बर्थडे वाला बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर रखा था गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हम लोग केक भी कट करेंगे। ये पहले से एक मतलब अरेंज कर रखा है और ये देखिए कैबिन बना रखा है। मतलब एक ऐसा फीलिंग आता है जैसे कैंडल लाइट डिनर करने के लिए आए हैं। और ये देखिए अंदर से उस साइड किचन है और इस टाइप से बना हुआ रखा है, कैबिन भी बना रखा है और ऐसा नॉर्मली भी बना रखा है ग्राउंड में भी। और अलग अलग टाइप से चेयर्स दे रखे हैं गाइस। तब तक हम लोग सोचते हैं कि ऑर्डर दे देते हैं, उसके बाद फिर से फोटोशूट करेंगे और आपको आगे कभी दिखाएंगे। तो हम लोग यहाँ देखिए ऑर्डर दे रहे हैं, वेराइटी वेराइटी खाना है। आगे दिखाएंगे कि आप लोग हम लोग क्या क्या मंगाएं। और चलिए तब तक हमको साथ कुछ इन्जॉय कर लीजिए, फोटोशूट का किए हैं। चलिए वो दिखाते हैं आप लोग को। ये देखिए हमको पोज अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही मस्त सीन था गाइस वहाँ का और बहुत ही प्यारा। तब तक हम लोग सोचिए केक लेके आते हैं, उसका केक फिर से कट करवाते हैं। तो हम लोग गए थे नीचे बेकरी का एक शॉप था केक का, तो वहाँ से केक ले ऑर्डर लेके आए। और चलिए आगे ऊपर दिखाएंगे कि आपको कौन सा केक लिए। यहाँ पर तब तक देखिए आप केक था, पेटिस था और वैराइटी वैराइटी का केक था। इन्जॉय कीजिए गाइस। और सारे अच्छे रेंज में थे गाइस। ये वॉलवेट वाला केक जो बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने से, तो आप चाहे तो किसी स्पेशल पर्सन के लिए ले सकते हैं, आप समझ ही गए होंगे। सी गाइस। और देखिए मतलब होता ना कि बहुत ही प्यारा, और केक इतना टेस्टी था, इतना यम्मी था कि बता नहीं सकते। बेकरी में होता है कि बहुत ही टेस्टी होता है, तो गाइस रियली बहुत टेस्टी था हमारा केक। तो चलिए अब हम लोग ऊपर चल रहे हैं और केक के कटिंग कर रहे हैं। तो हम सोचे कि हम भी कुछ फोटोशूट करते हैं, ऐसा लग रहा है ना जैसे मेरा ही बर्थडे है। तो गाइस मेरा बर्थडे नहीं है, मेरी फ्रेंड का बर्थडे। देखिए ये है केक फाइनली, और केक हम ला चुके हैं और केक कट करने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ कुछ फ़ोटो ले लेते हैं जो कि आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं हम लोग। सी गाइस। और देखिए ये आसमान का फ्रंट कैमरा से ले रखा, तो आसमान तो नहीं आया कि हैप्पी बर्थडे वाला कितना अच्छा लग रहा है, बैलून चारों तरफ से लग रहा है ना स्पेशल वाली फीलिंग। और हम लोग फोटो देखिए, हम अपना फ़ोटो ले रहे हैं, इसका इधर खिलाया जा रहा है, फिर हम लोग शूट कर रहे हैं। गाइस इतना सुंदर सा सीन हो और फोटो शूट ना हो, वो भी सामने से केक और इतना सुंदर डेकोरेशन। तो चलिए हम लोग कुछ फ़ोटो शूट कराए थे जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, और उसके बाद छोरी का केक कट करेंगे जिसका बर्थडे है गोलू वालू, इसको हम लोग सरप्राइज़ पार्टी दिए थे। तो चलिए देखते हैं। और उसके बाद ये देखिए हमारा का फनी मोमेंट, अब फाइनली हम लोग केक कट कर रहे हैं। और चलिए फिर केक खाते हैं और आपको भी खिलाते हैं। तो खाना है गाइस यम यम में सा टेस्टी सा केक,
अगर आपको भी अगर ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट करना हो, किसी को स्पेशल फीलिंग देना हो, पार्टी देना हो, किसी भी दोस्त को, फ्रेंड को, बहन को, किसी को भी, तो आप यहाँ जा सकते हैं गाइस, विजिट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा था और बहुत ही डेकोरेशन उसका बहुत ही अच्छा कर रखा था। ये थोड़ा सा कॉस्टली है बट आप चाहे तो उसको मेंटेन कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं तो आप जाके केक कट कर लीजिए और कुछ हल्का सा स्पाइसी खा के, नॉर्मल सा खा के आ जाइए, इन्जॉय भी हो जाएगा और पार्टी कहीं और कर लीजिएगा। चलिए देखिए, हम लोग फाइनली केक कट कर रहे हैं और ये हम मुझे केक खिला रही है, फिर हम लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं और फोटो भी ले रहे हैं, साथ साथ रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। देखिएगा देखिएगा कैसे पता चलेगा, फ़ोटो भी और रिकॉर्डिंग साथ साथ। और देखिए फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग केक भी नहीं खाते, कैसे जैसे ये नहीं खा रही। तो चलिए इन लोग तब तक इन ये सबको खिला रही, तब तक मैं अपना फ़ोटो ले रही हूँ, उसके बाद फ़ोटो तब तक उन लोग फ़ोटो शूट करी केक खिला रही है, तब तक हम लोग भी सोचे कुछ फ़ोटो ले लेते हैं। और चलिए दिखा देते हैं कि हम लोग कैसे कैसे केक कट किए, क्या किए, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में देख लीजिए गाइस। इतना सुंदर सीन था कि वहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा था किसी, बार बार जा जाकर हम लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, इतना प्यारा सा ही लग रहा था। ये देखिए हम लोग केक कलर चला जाके फोटो ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और फिर ये देखिए साइड, इस साइड भी पोजीशन था, उसका जो सोफा था, चेयरिंग का सिस्टम वो अलग कर रखा था और बहुत अच्छा था। अब हम लोग यहाँ से केक कटिंग जहाँ किए वहाँ से जा रहे हैं खाना खाने। चलिए गाइस अभी आ जाइए खाना खाने, चलते 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 हैं। फाइनली हमारा खाना आ गया है, तो देखिए हम लोग नान मंगाए हैं और सब्जी मंगाए है, चिल्ली पनीर ऐसे करके कुछ था, याद नहीं आ रहा, ध्यान नहीं है उसका। तो नान में भी हम लोग बहुत सारे वैरायटी के नान मंगाए थे, एक गार्लिक नान मंगाए थे, एक मेथी नान मंगाए थे और दो हम लोग बटर नान मंगाए थे। तो चलिए गाइस देखते हैं और खाते हैं। उससे पहले हम लोग स्टार्टर में हम लोग मंगाए थे चाउमीन, जो हम लोग खा चुके हैं। तो चलिए थोड़ा सा फ़ोटो शूट करवा लेते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, उसके बाद फिर चलिए आपसे मिलते हैं। तब तक ये हमें सर्व कर रहे हैं और फ़ोटो लेने के बाद चलिए कुछ देर बाद मिलते हैं। तो इन्जॉय कीजिए, खाने का तो मन कर रहा होगा लेकिन क्या करें गाइस, रिकॉर्डिंग में ये वीडियो में, तो वीडियो में देखिए सब मन को शांत कर लीजिए। तब तक उसके कुछ फोटो ही दिखा देते हैं खाने का, लजीज खाना। और खाने के बाद हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ फ़ोटो शूट के साथ और कुछ रिकॉर्डिंग के साथ। तो चलिए हम लोग वहाँ से खाना खाने के बाद बाहर निकल गए हैं, तो फिर से फ़ोटो शूट कराते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग भी। और देखिए कैसे हम लोग पोज देंगे इस रिक्शे पर बैठ के, ऐसे रिक्शे पर बैठना हो तो लगेगा यार कहाँ बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे जगह पर दे रखा था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। और आसमान का जो टैग लगा रखा था वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। ये जस्ट लिफ्ट खुलने के सामने ही था, तो हम लोग लिफ्ट का यहाँ वेट कर रहे हैं, तो फ़ोटो भी ले रहे हैं और इसके बाद हम लोग चलते हैं लिफ्ट में। तो चलिए देखिए गाइस हम लोग लिफ्ट में आ गए हैं और सेवन्थ फ्लोर से हम लोग जा रहे हैं नीचे। तो चलिए चलते हैं, गेट खुल गया, वो नीचे आ गए, तो चलिए चलते हैं बाहर। इसके साथ आपको फिर से वो सीन दिखाते हैं जहाँ से हम एंट्री किए थे। सी गाइस देखिए कितना कलरफुल डेकोरेटिव बना रखा है, अच्छा सा लग रहा है। और इससे नीचे देखिए यहाँ पे एक नीचे बेसमेंट में एक मार्ट टाइप से बना रखा है जहाँ सारे तरह का सामान मिलता है। अंदर से नहीं गया कि क्या क्या मिलता है, लेकिन ये जो है तब तक हम लोग फोटो दे रहे थे। और देखिए फोटो लेते लेते वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, पोस्ट कैसे देते हैं। तो चलिए कैसे पोस्ट देते थे, तब हम लोग बाहर चलते हैं। और बाहर यहाँ पे एक मैरिज था, नीचे मैरिज हॉल था, तो इसलिए वो डेकोरेट कर रखा था, तो हम लोग यहाँ भी फ़ोटो ले लेते हैं। और फ़ोटो लेते लेते अब हम लोग गाइस चलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और प्लीज़ हम ऐसे ही बने रहिए और प्यार करते रहिए अपने से सबसे, और अपना ध्यान रखें। बाय बाय गाइस।